Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the second shifting property of inverse Laplace transform. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, सो ये प्रॉपर्टी भी उसी तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को. ये एक थ्योरम की तरह होता है. सो थ्योरम है, इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल माइनस वन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू जी टी जी ऑफ टी, वेयर जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए वेन टी ग्रेटर देन ए एंड इट इज़ ज़ीरो वेन टी लेस देन ए. तो हमें गिवन है एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हमें गिवन है. देन हमें ये लाना है लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस ऑफ एफ एस. वहाँ पे जी टी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम इसको ले कर शुरू करेंगे. ये सिंपल सा वही फार्मूला है, हम इधर ला देंगे तो ये लाप्लास हो जाएगा. सो जी टी से स्टार्ट करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू तो ये सारा है, तो हम क्या करते हैं उसको नहीं लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, तो बाय डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी और जी टी डी टी. बाई डिफिनेशन हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को क्या लिखते थे, ज़ीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. उसी तरीके से यहाँ जी टी है, तो जी टी है यहाँ पे हमारा जी टी जो है वो दो फंक्शन के लिए, दो रेंज के लिए पता है, एक टी लेस देन ए के लिए और एक टी ग्रेटर देन ए के लिए. तो हम लिमिट को चेंज कर लें, एक ज़ीरो टू ए हो जाएगा और एक ए टू इनफाइनाइट. ये हो जाएगा ज़ीरो टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, और दूसरा लिमिट हो जाएगा ए टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी एंड डी टी. ठीक है, अब 0 टू a में जो जी टी की वैल्यू है वो क्या है, 0. सो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा, सिंपली 0 टू a a टू ए टू इनफाइनाइट ए टू द पावर माइनस एस टी, और जी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, f ऑफ t माइनस a. सो f ऑफ t माइनस a और यहाँ पे हो गया dt. टी क्लियर. अब ये हमारा दिख रहा है कुछ लाप्लास जैसा लग रहा है ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे कोई फंक्शन है तो यहाँ पे डी टी है, लेकिन ये एफ ऑफ टी जैसा नहीं है जैसे यहाँ पे हुआ है एफ ऑफ टी. तो अगर हम इसको कुछ मान लें टी माइनस ए को, तो कुछ उसी तरह का हो जाएगा. तो मान लेते हैं लेट टी माइनस ए इक्वल टू यू. ठीक है, तो हमें डी टी क्या मिलेगा, डी टी हो जाएगा सिंपली यू, क्योंकि ए एक कॉन्स्टेंट की तरह है. ठीक है, और अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो ये टी की लिमिट है, तो इफ टी इक्वल टू ए देन यू क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ज़ीरो, एंड इफ टी इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, देन यू इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस ए इनफाइनाइट. सो अब जो u की लिमिट होगी वो 0 टू इनफाइनाइट होगी. सो दिस इज 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस s, और t को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t इक्वल a प्लस यू. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस यू इंटू एफ ऑफ u और dt के जगह पे du. क्लियर, dt के जगह पर du. अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे,
तो e टू द पावर माइनस एस से और e टू द पावर माइनस एस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर, अब चूँकि u के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है तो हम क्या करें, ए एस को बाहर कर देते हैं एक तरह से, e टू द पावर माइनस ए एस e टू द पावर माइनस ए एस 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस यू एफ यू और डी यू, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस ए एस इंटू, अब ये क्या है, एफ एस है, इसको हम एफ एस लिख सकते हैं क्योंकि एक तरह से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ यू हो गया। तो जैसे इस टर्म को हम एफ एस लिखते हैं, तो चाहे यहाँ पे टी हो चाहे यू हो, इन तीनों जगहों पे एस टी या एफ टी या टी टी, अगर यहाँ पे तीनों जगह यू है तो भी वो एफ एस ही होगा। तो हमें यहाँ से मिल गया एफ एस, सो ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ठीक है। ये पूरा वैल्यू किसका है, एफ एस की वैल्यू। तो हमें फाइनली मिल गया लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है, जी टी इक्वल प्रूफ करना है एल इनवर्स, तो एल को हम अगर इधर कर लें तो एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू जी टी। तो सिंपली हमें नेक्स्ट में क्या करना है, सीधा जो रिजल्ट आया है वही हम लिख देते हैं। तो हम थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है, इधर लिख देते हैं। सो हमें फाइनल मिलेगा जी टी इक्वल टू एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, और यही तो हमें लाना था, देन एल इनवर्स ई टू द पावर इक्वल टू जी टी। सो दिस इज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। This proves the second shifting theorem, ठीक है, तो क्लियर है। हमें क्या प्रूव करना था कि अगर L inverse f of s equal to f t है, then ये where ZT equal to इतना, तो जो ZT है यहाँ पे उसकी वैल्यू ये थी। हमने क्या किया, लाप्लास ऑफ जी टी लिया पहले, बाय डेफिनेशन ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ हमें जी टी की जो वैल्यू है वो दो रेंज में पता है, एक टी लेस देन ए पे और टी ग्रेटर देन ए पे। तो हम इसको दो सेक्शन में चेंज किए, 0 टू ए और ए टू इनफाइनाइट। तो 0 टू ए में जी टी की वैल्यू 0 है और टी ग्रेटर देन ए यानी ए से इनफाइनाइट में जी टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए। अब ये कुछ लाप्लास के फॉर्म में था तो हमने टी माइनस ए को यू मान लिया, उसके बाद सिंपल सा है इंटीग्रेशन है। लास्ट में फिर से वही सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से e पावर माइनस एस को किनारे किए हैं और e टू द पावर माइनस एस यू और एफ यू डी यू, इसको फिर हम एफ एस लिख सकते हैं, और यही तो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम डायरेक्ट कुछ इस तरह से सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। तो इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल करें, थोड़ा सा रिमार्क देख लेते हैं इसके ऊपर। तो रिमार्क, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा रिजल्ट आया एल इनवर्स, ये है एल इनवर्स, सो दिस कैन बी expressed as L inverse e to the power minus as f of s equal to g of t। और यहाँ पे जो g of t है वो क्या है, g of t है हमारा f of t minus a when t is greater than a एंड दिस इज़ जीरो वन टी लेस देन ए।
तो इसके रिजल्ट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए, दिस इज एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। हियर एच ऑफ टी माइनस ए इज कॉल्ड हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को हम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू में जी टी है एक तरह से जी टी, लेकिन एक दूसरा तरीका हो सकता है अगर हम एफ ऑफ टी माइनस ए के टर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो अक्सर हम कभी कभी रिजल्ट को इसी फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है इसका, तो एक तरह से हमको एल इनवर्स बताना है ई टू द पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम उसी प्रॉपर्टी से करेंगे। तो हम जानते हैं बाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो क्या था वो, एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस जी टी। सो दिस इज एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ए एस एफ टी इक्वल टू पे था एफ ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी वेयर जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड दिस इज जीरो व्हेन टी लेस देन ए। तो ये था हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है e टू द पावर माइनस ए एस, हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे वही फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एफ एस को निकालना होगा। ये e टू द पावर माइनस पाई एस जो यहाँ पे दिख रहा है वो इसी तरीके से है e टू द पावर माइनस ए एस, यानी यहाँ पे a के जगह पे पाई है, a के जगह पर पाई है, और एफ एस की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ ऑफ टी, सो दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन and then f of t equal to l inverse 1 upon s square plus 1। so हमें यहाँ से function मिल जाएगा कि f of t क्या है। so f of t is equal to sin of t, clear। तो f t मिल गया हमें sin t, क्योंकि l inverse of 1 upon s square plus 1 होता है sin t। ठीक है, तो अब हमें अगर sin t मिल गया तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं।
इसी तरीके से तो हम लिख सकते हैं L इनवर्स बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, एक तरह से यही टर्म आएगा जी टी। फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन टी, एफ टी हमारा साइन टी है एक तरह से, तो एफ ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा साइन टी माइनस पाई। क्लियर? जब एफ टी था तो हम टी माइनस एफ टी माइनस ऑफ ए लिखते हैं, यहाँ पे एफ टी क्या है साइन टी और टी की जगह पे क्या होगा टी माइनस ए। यहाँ पे कब, जब टी का मान ग्रेटर देन होगा पाई से, और दूसरी चीज़ ज़ीरो जब टी लेस देन होगा पाई से। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू। अब ये लिखे चाहे ना लिखे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही टर्म आता है, लेकिन इसको फिर हम उस तरीके से लिखेंगे। तो ये कुछ उसी तरीके से है साइन ऑफ टी माइनस ए, जो टर्म यहाँ पे फंक्शन में आएगा उसी में हम ए माइनस करते हैं। तो यहाँ साइन टी माइनस पाई हो गया, टी ग्रेटर देन पाई ज़ीरो, टी लेस देन पाई। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ टी माइनस पाई एंड हैवी साइड यूनिट फंक्शन टी माइनस पाई, हमने रिमार्क में डिस्कस किया था उसके हिसाब से। तो यही चीज़ हमें इक्वल मिलेगी साइन ऑफ टी माइनस पाई इंटू एच टी माइनस पाई। अब साइन ऑफ टी माइनस पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी माइनस साइन टी इंटू हेविसाइड फंक्शन टी माइनस पाई। ऐसा ठीक है, ये हेविसाइड यहाँ नाम है, उन्होंने एक वैल्यू पूरी वैल्यू को एक फंक्शन का नाम दिया था, तो वो है एच टी माइनस पाई, और यही है इसका आंसर माइनस साइन टी इंटू एच टी माइनस पाई। ठीक है, क्लियर? तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। ये है दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ भी हम उसी तरीके से करेंगे बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम इतना जानते हैं एलिस इनवर्स ई टू द पावर माइनस एस एफ एस इक्वल टू जी ऑफ टी वेयर जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड इट इज़ ज़ीरो इक्वल व्हेन टी लेस देन ए। तो यहाँ भी कुछ उसी तरीके से है, ई टू द पावर माइनस एस की जगह ई टू द पावर माइनस थ्री एस। तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कैसे कि वो किस प्रॉपर्टी से आएगा, तो वो देखने में हमारा इसी तरीके का बन जाएगा, एल इनवर्स तरीके का होगा ही, इनवर्स हमें लाना है तो, और ई टू द पावर माइनस ए एस टाइप का कुछ होगा और फिर एफ एस हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, हियर एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस की वैल्यू है एक तरह से वन अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। ई टू द पावर माइनस ए एस वाले टर्म को छोड़िए तो वन अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि जब हम एफ टी निकालेंगे तो हम एफ ऑफ टी माइनस ए लिख पाएंगे, ये एफ टी हमें पता चल जाएगा तो हम टी की जगह टी माइनस ए लिख लेंगे, ये मिल जाएगा, तो उसी लिए हम लाप्लास ऑफ एफ टी निकालेंगे क्योंकि ये एफ एस के बराबर भी है। और ये क्या है, वन अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब एल को हम इधर लाते हैं तो एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस फोर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि यहाँ ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे एस माइनस फोर है, तो ये होगा ए टू द पावर एटी, एटी मीन्स यहाँ हो जाएगा फोर, ये फोर माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो एल इनवर्स और अंदर हमें मिलेगा वन अपॉन एस स्क्वायर फोर हमारा यहाँ आ गया। सो ई टू द पावर फोर टी इंटू
वन बाई एस स्क्वायर क्या होगा? सो वन बाई एस स्क्वायर होता है टी, वन बाई एस स्क्वायर का जब हम निकालेंगे तो टी आएगा, वो ऐसे आएगा, अगर लाप्लास ऑफ टी पावर एन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। सो यहाँ पे अगर हम टू रखेंगे, ठीक है, वन वन रखेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर टू, और यहाँ वन रखेंगे तो क्या आएगा, सिंपली टी। सो वन अपॉन एस स्क्वायर, एक तरह से टी इक्वल एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर। सो लाप्लास इनवर्स वन बाई एस स्क्वायर इक्वल टू टी। तो हमें फाइनली मिल गया एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर फोर टी इंटू टी। तो अब हम रिजल्ट उसी तरीके से लिख सकते हैं, सो एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस थ्री एस अपॉन एस माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा, क्या होगा, टी माइनस थ्री, यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, थ्री है, ए के जगह पर थ्री है, सो टी माइनस थ्री इंटू ई टू द पावर फोर टी माइनस थ्री, और दूसरा वाला ज़ीरो। सो एफ ऑफ टी माइनस ए, चूँकि एफ टी इतना है तो एफ ऑफ टी माइनस ए क्या होगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी माइनस ए हो जाएगा। सो ई टू द पावर फोर टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस थ्री, ये तब होगा जब टी ग्रेटर देन थ्री होगा, और ये तब होगा जब टी लेस देन थ्री होगा। क्लियर? तो हमें एफ ऑफ टी ये मिला था, इसके हिसाब से एफ ऑफ टी माइनस ए लिखेंगे तो हम इतना लिखेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम है, जहाँ टी है वहाँ पे टी माइनस थ्री हो जाएगा, ये तब है जब टी ग्रेटर देन थ्री है और ये टी लेस देन थ्री। सिंपल इसी तरीके से सिर्फ टी की जगह टी माइनस ए, एफ टी निकालेंगे टी की जगह पर टी माइनस ए। सो ये हमें मिल गया आंसर। टी ग्रेटर देन थ्री है और ये टी लेस देन थ्री, ठीक। अब इसी को हम इस तरीके से भी लिख लेंगे, टी माइनस थ्री, क्योंकि ये एफ टी है और ये ई टू द पावर फोर टी माइनस थ्री ब्रैकेट में इंटू एच ऑफ टी माइनस थ्री, दिस इज द हैवी साइड यूनिट फंक्शन। सो ये रहा टोटल रिजल्ट आंसर। तो इस तरीके से हम करेंगे इसको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, और कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं जैसे पिछले वाले में थी। एफ एस हम सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर एल ऑफ एफ टी करके हम एफ टी निकाल लेंगे, और वही एफ टी यहाँ यूज़ होगा, केवल टी के जगह टी माइनस ए हो जाएगा। और ए कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे होगा उसी से हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।